हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अष्टा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अभी फ़िलहाल में दिल्ली में कोचिंग हादसा हुआ है जिसमें कि 3 छात्रों की मौत हो गई है, तो इससे रिलेटेड हमारे खबर है जहां पर दिया हुआ है कि अब जो है कोचिंग संचालकों को यहाँ पर 1 माह में कमियाँ दूर करनी होगी। यानी कि यहाँ पर कोचिंग संचालकों को जो है 1 मंथ का टाइम दिया गया है, अगर ऐसा नहीं किया है तो लगेगा ताला, यानी कि उनका जो कोचिंग संस्थान है वो बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल लगभग जो 29 कोचिंग संस्थान यहाँ पर बंद हो चुके हैं, तो सारे ट्यूशंस को यहाँ पर 1 माह का टाइम दिया गया है। तो पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम देखते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कोचिंग संस्थान की जो जांच है वह जारी है और सभी जो MDO ने जांच के दौरान अधिकतर संस्थानों में क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाने या फिर एक ही रास्ते से आने जाने की जो व्यवस्था है या आग से बचाव की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा शौचालय और पानी की बेहतर सुविधा नहीं होना, निबंधन नहीं होने, बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन समेत कई कमियां जो है दूर की गई हैं यहाँ पर। इसके लिए अनुमंडल स्तर से जो नोटिस भेजा जा रहा है ताकि इन सारी कमियों को जो है दूर किया जा सके। और बताया जा रहा है कि अधिकारी और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक हुआ, उन्होंने कोचिंग संचालकों को 1 माह में कमियाँ दूर करने को कहा है। यानी कि 1 माह में जो सारे कोचिंग संस्थान हैं इनकी कमियाँ को दूर करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि 2 गेट हमेशा चालू रहने चाहिए, यानी कि कोचिंग में जो है एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट होना चाहिए और दोनों गेट हमेशा चालू होने चाहिए। और क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठना है, यानी कि क्षमता से अधिक यहाँ पर बच्चों को बैठने पर भी रोक लगाई गई है। और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए और सभी को निबंधन कराना होगा। मानक का अनुपालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि इस तरह से अगर उस कोचिंग संस्थान नहीं फॉलो करते हैं तो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा। और जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच रहेगी, इसकी कमियां पाए जाने पर नोटिस दिया जाएगा, अगर जवाब नहीं देते हैं तो उनका कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान यहां पर जो कुछ नाम दिया गया ये सारे जो बैठक में मौजूद थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि निबंधन के लंबित आवेदन 2 सप्ताह में निष्पादित होंगे, इनके जो आवेदन है करीब 2 हफ्तों में यहाँ पर निष्पादन किया जाएगा इनका। और नेक्स्ट यह हुआ शहर से बाहर कोचिंग सिटी व विलेज बनाने का सुझाव, इनकी कोचिंग संचालक ने शहर के मानक हिसाब से व्यवस्था के लिए जगह मिलने में कठिनाई होने की बात की गई है जो कोचिंग संचालकों के द्वारा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है DM ने कहा है कि कोचिंग जो है शहर के बाहर जो कोचिंग विलेज या कोचिंग सिटिंग बनाने का सुझाव दिया। और उन्होंने कहा कि पटना का जो जिला इसका विस्तार हो रहा है और आपको जहाँ उपयुक्त लगे वहाँ जगह चिन्हित कर सकते हैं, वहीं बिल्डिंग बालों सहित अन्य सभी मानकों की पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। उन्होंने कहा कि यह परामर्श लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है। और वहीं बियाड़ा में जगह देने और कोचिंग को उद्योग का दर्जा देने की मांग पर सरकार को रिपोर्ट देने का सुझाव दिया है, यानी कि इस पर जल्द ही आप लोग का रिपोर्ट दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं और भी खबर यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 स्टूडेंट के लिए 1 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर वर्ग यह जारी करना है। और यह जो है कोचिंग संस्था अधिनियम 2010 यह लागू हुआ है। इसके साथ ही शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, पेयजल की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, आकस्मिक चिकित्सा हो, व्यवस्था हो, अग्नि सुरक्षा हो, पार्किंग हो, बेंच डेस्क सभी होना अनिवार्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं पटना की बात की गई है कि पटना जिला में 10,000 यहाँ पर जो है प्लस कोचिंग संस्थान है, बट यहाँ पर 515 ही जो कोचिंग संस्थान है वो यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड है, तो इस पर भी यहाँ पर जो है बात की जा रही है। तो हमने देखा कि कोचिंग संचालकों के यहाँ पर 1 मंथ का टाइम दिया गया है अपनी कमियाँ दूर करने के लिए, नहीं तो उन कोचिंग संस्थान को जो है बंद कर दिया जाएगा। तो ये हमारा नोटिफिकेशन रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें।